तो एक बार और 5000 आरपीएम पे ले जाते हैं थर्ड गियर एंड नाउ फोर। सो मीनाक्षी टेंपल में दर्शन हो गए, बाहर अंधेरा हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम पौंडीचेरी। तो आज हम लोग जा रहे हैं पौंडीचेरी से मदुरई की तरफ, विच इज 310 किलोमीटर्स। और कल पहुंचे थे हम लोग पौंडीचेरी, पूरा घूमे पौंडीचेरी में बीचेस वगैरह। सो लास्ट लोग आप देखो वहां आपको पता चलेगा कि पौंडीचेरी में कितना मज़ा आया। और मुझे गोवा से पर्सनली थोड़ा बेटर लगा क्योंकि क्राउड कम था। अभी देख के जज मत करना क्योंकि ये लोकल्स का क्राउड है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक सुबह सुबह, हालत ख़राब हो रही है। कल तो कम से कम हवा भी चल रही थी, आज तो वो भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है खड़े खड़े। बस वेट कर रहा हूँ कि हाईवे कब आए और थोड़ी हवा लगे ठंडी ठंडी। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को मेरा नमस्कार। सामने एक टेम्पल दिख रहा है, बड़ा सही आ गया टेम्पल तो यार, मैं फ़ैन हो गया, इतने सही सही टेम्पल्स ना। चलो चलो चलो, चलो सो दिस इज औस्टेरी लेक। इतनी बड़ी सी लेक है, यहाँ पे बोट हाउस भी है, शायद पीछे लिखा हुआ था वेलकम्स यू बोट हाउस। और अब लगभग NH पर आ चुके हैं, खाली रोड से यहाँ पे थोड़ी हवा लग रही है तो अच्छा लग रहा है। भाई साहब इस तरफ तो गर्मी इतनी ज़्यादा ना। टिंग टोंग टिंग टोंग। सो नाउ 6-lane highways फाइनली। और यहाँ से तिरुचिरापल्ली है 170 किलोमीटर्स। तो वहीं पे आसपास हम लोग का कहीं पे लंच होगा। 9:41 बीच में अभी पूरा सिंगल लेन हाईवे था और भाई उस पर चलाने में मतलब दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही है, कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से आ रहा है। अच्छा वो आ गए यहाँ पे, अब तो सटा सट चलते रहो। तो यहाँ फिर से लिखा है तिरुचिरापल्ली 165 किलोमीटर। सही बात है, फिर ये भी आपके साथ 120 पे चलेंगे। पागल हो गया फिर साला, 150 नीचे चलने का फायदा ही क्या? डबल इंजन लेके भी साला फिर नहीं। गलत बात पाजी, गलत बात पाजी, ये गंदी बातें नहीं। शॉर्ट कॉफी ब्रेक डन। त्रिची टोलवे प्राइवेट लिमिटेड तिरुची मदुरई। तो तिरुची में करेंगे अपना लंच। यहाँ से अभी भी 90 किलोमीटर है, अभी तो 11:30 भी नहीं हुए यार, बहुत टाइम है। आज ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो गई है और बहुत देर से राइड कर रहे हैं, मतलब मुझे अभी फील हुआ कि 12:01 बज गए होंगे। Oh,
फाइनली कावेरी रिवर के दर्शन हो गए। कावेरी रिवर और एक चट्टान है और चट्टान के बिल्कुल ऊपर मंदिर है। आई थिंक दूर से इतना बढ़िया लग रहा है। त्रिची सिटी, तो अभी जस्ट हम लोग त्रिची में एंटर हो के बाईपास से क्रॉस हुए एंड यहाँ से मदुरई अभी बचा है 130 किलोमीटर क्रॉस, 130-135। भूख लगी, 12:30 हुए हैं आज यार, टाइम क्यों नहीं बीत रहा। आ गए जी, आ गए अपने लंच पॉइंट पर, बालाजी आर्यास। लंच डन, टाइम 2:30 बज गए भाई यहाँ पे। तो एक्चुअली लंच के बाद रुक गए थे यहाँ पे क्योंकि एक और भाई जो कि अपनी ज्योतिर्लिंग की राइड पे है वो मिल गए थे यहाँ पे। तो अभी थोड़ी दूर तो साथ में राइड करेंगे। हो गया फ्यूल अप, हो गया। मनीष भाई आ गए, चलो। तो रवि भाई को चलानी थी मेरी बाइक, सो नाउ आई एम राइडिंग द एडवेंचर 390 और अब मेरी बाइक के कुछ शॉट्स दिख जाएंगे आपको। इस पे पता नहीं कैसा व्यू आ रहा होगा आपको। अरे वो चेन में आ रहा है आवाज। चलो ECU क्या बताया आपने? ECU चेंज है? ECU अपडेट वाला पावर टॉनिक्स का आता है ना? अच्छा वो डालो है। पावर जनरेट करता हूँ। इसमें क्या है कि सेकंड गियर में आपको 3-5 RPM चाहिए। हाँ। थर्ड गियर में 5000 चाहिए। हाँ। उसके बाद इंजन को पावर डीजल देता है ना? हाँ। चलो एक बार और 5000 RPM पे ले जाते हैं थर्ड गियर एंड नाउ मतलब 100+ तो आराम से, पता भी नहीं लग रहा है कि अभी बाइक 136-90-142 तक पहुंच गई थी। गजब की पावर है भाई। मतलब मैंने एडवेंचर 390 पहले भी चलाई है, ये ज़्यादा स्मूथ लग रही है मुझे एक तो, प्लस जो पावर है ना वो भी एकदम बढ़िया आ रही होगी। बताया भाई ने अभी पावर ट्रॉनिक्स का इसमें वो अपग्रेड करवाया हुआ ECU को, सो इसीलिए। जबरदस्त भाई 140 तो ऐसे पहुंच गई। हाँ।
इसमें जब पहली बार एकदम ब्रेक लगाया ना फर्स्ट वाला, इतना ज्यादा ट्रैवल हुआ मुझे लगा एकदम डोल गई ये वाली। हाँ प्लेन से इसमें बढ़िया है बाइक, तो पावर तो भाई KTM की। KTM नहीं, प्लस इसमें क्या है पता है, ADV में इसका जो बैलेंसिंग दिया, ये गाड़ी आप कुछ भी कर लो वोबल नहीं होता। कुछ भी कर लो वोबल नहीं होता, अगर वोबल सही बात एक या दूसरा पैर एक साइड निकलना है। हाँ इसमें इसकी बेस्ट में एक चीज बताता हूँ, कोई भी एंगल 147 टॉप एंड जाता है इसका। हाँ 147 मेरा वेट में जा रहा है, आप में तो 150 प्लस जाएगा। हाँ मैं नहीं ले जाता इधर, राइड इज इनकम्प्लीट विदाउट सप्रेस। सही बात है, एक दो बंदे तो मिलेंगे ऐसे। हाँ नहीं नहीं बहुत मजा आया यार, क्यूट बाइक है। अभी मेरे को क्या है, वो मेरा नेविगेशन के लिए कुछ ना कुछ बोल रहा है, पता नहीं मेरे को दूसरा रास्ता नहीं लिया। नहीं नहीं उनके लिए वो मनीष भाई भी आ गए। वापस अपनी राम प्यारी पे भाई, मजा आया, बहुत मजा आया एडवेंचर चलाने में। स्पीड पावर तो भाई उसमें गजब किया है, लेकिन जो स्टेबिलिटी और जो मजा इसमें है ना, वो किसी बाइक में नहीं हो सकता। मतलब इस बाइक का कॉर्नरिंग में हाई स्पीड में इतनी ज्यादा स्टेबल लगती है। एडवेंचर में मैंने एकदम से फ्रंट ब्रेक मारा, इतना ज्यादा उसका ट्रैवल है मुझे तो लगा गई। सो रवि भाई भी यही बोल रहे थे कि भाई इस बाइक में स्टेबिलिटी गजब की है। कितना सही लग रहा है भाई ये सामने का व्यू, ऊपर काला बादल, रेज निकल रहे हैं यहाँ पे सामने, व्हाइट क्लाउड्स एंड राइट साइड में माउंटेन्स है, गजब भाई गजब। कोकोनट कोकोनट कोकोनट, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज। आज सुबह भी जब दिन में कोकोनट पिया, कोकोनट वाटर पिया था, तो यहाँ पे सिर्फ 30 रुपए का था। तो अभी जैसे जैसे नीचे आएंगे ना, तो और सस्ता होता जाएगा, खूब कोकोनट वाटर पियेंगे। पहुँच गए हम लोग मदुरई सिटी, टेम्पल सिटी मदुरई। सो टेम्पल ऑब्वियसली यहाँ पे पता ही होगा आपको, मीनाक्षी टेम्पल है, मीनाक्षी अप्पम टेम्पल। सो वहाँ भी हम लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और होटल पहुँचते हैं, फ्रेश व्रेश होंगे और फिर पूरे प्रोटोकॉल के साथ मंदिर चलते हैं। पहुंच ही गए हो। बाइक किधर लगानी, गोइंग टू मीनाक्षी अम्मम टेम्पल, अम्मन टेम्पल। 1 किलोमीटर है यहाँ से, पूरे स्क्वाड के साथ जा रहे हैं हम लोग। यहाँ भी अंदर फोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, सो हम छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे सारी बाइक्स पार्क हो चुकी है एंड अंदर जाने को वी आर रेडी, पुटिंग आवर फोन्स इनसाइड नाउ। सो मीनाक्षी टेम्पल में दर्शन हो गए, बाहर अंधेरा हो गया। और यार मतलब इस मंदिर में आके मुझे पता लगा कि भाई मंदिर ऐसा होता है, मतलब इतना ग्रैंड मंदिर, इतना ज़्यादा ग्रैंड, मतलब लार्जर देन लाइफ, मज़ा ही आ गया। एक बार आपको यहाँ गेट से दर्शन करवाता हूँ। सो ये पूरा मंदिर है एंड ये एंट्रेंस है और एकदम सीधा जहाँ पे आपको दिए दिख रहे हैं उसी के पीछे मीनाक्षी देवी जी की मूर्ति है, वही दर्शन होते हैं। सो ऐसा कुछ है व्यू। मतलब अंदर देख लो पिलर्स इतने सारे, अंदर एक था जो मतलब देवालय था, 1000 पिलर मंडपम, सो दैट वाज एग्जॉटिक। मतलब 1000 पिलर एक जगह पे, वहाँ पे म्यूजियम बना रखा था। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हर तरफ। ये देखो यहाँ पे एंट्रेंस गेट है, ये इतना ज़बरदस्त है। सो एवरीथिंग इज लार्जर देन लाइफ। इज फाइनली बैक इन रूम और बहुत ही सही रहा आज का दिन, मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन हो गए, जो कि बिल्कुल हमारे शेड्यूल में भी नहीं था, बट कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई उस वजह से
हम लोग मदुरई में आके रुके और मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन हो गए। नाउ टुमारो विल बी गोइंग टू कन्याकुमारी, तो वो भी बहुत ही बढ़िया दिन होने वाला है क्योंकि टिप सदर्न टिप ऑफ इंडिया हम लोग जाने वाले हैं। और एक बार ये देखो रूम की हालत, पूरा धोबी घाट है। सो बंजी का असली उपयोग हम ही लोग कर रहे हैं। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे आप लोगों से कल के ब्लॉग में जो कि होगा मदुरई से कन्याकुमारी का। सो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।